अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स बताएंगे जिन्हें फॉलो कर आप अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। तो फेसबुक आपको दो ऑप्शंस देता है, टेम्पररीली डिसेबल और परमानेंटली डिलीट। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट टेम्पररीली डिसेबल करते हैं तो आप उसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली डिलीट करने के बाद आप अपना फेसबुक अकाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं फेसबुक अकाउंट परमानेंटली कैसे डिलीट करें। सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करें और फिर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पर टैप करें। स्क्रॉल कर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएं, सेटिंग्स पर टैप करें। यहाँ पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर टैप करें, फिर डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पर टैप करें। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अगर आप टेम्परेली डीएक्टिवेट ऑप्शन चूज करते हैं तो इससे आपका नाम, फोटोज और जो भी पोस्ट आपने शेयर की होंगी सब डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको परमानेंटली अकाउंट डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट ऑप्शन चूज करें और फिर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन बटन पर टैप करें। यहां से आप अपना रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्यों अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, या फिर बिना रीजन सेलेक्ट किए ही कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन बटन पर टैप करें। अपना अकाउंट डिलीट करने से पहले आप यहां से अपनी फोटोज और जो भी पोस्ट आपने की थी वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिलीट अकाउंट पर टैप कर सकते हैं। अब यहां अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड एंटर करें। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पहले अपना पासवर्ड रीसेट कर लें और फिर कंटिन्यू पर टैप कर डिलीट अकाउंट पर टैप करें। अब आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और किसी को आपका अकाउंट नहीं दिखेगा। इन केस आप इसे रिकवर करना चाहें तो 30 दिन तक का आपको टाइम मिलता है, आप 30 दिन के अंदर अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं अपना अकाउंट तो 30 दिन तक लॉगिन ना करें। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।